हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एरीज, लियो और सैज की अगस्त 2020 की रीडिंग लेके। ठीक है, आप लोगों की लव लाइफ में, आपके फाइनेंशियल में, आपके कैरियर में और आपकी वैसे लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है इस मंथ के लिए। साइन ऑफ एरीज, लियो और सैजिटेरियस, चाहे आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस इन साइंस में है और आप जो भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो आपके साथ रेजोनेट्स करती है, प्लीज़ उसी को लेकर चलिएगा और उसी को लेकर फॉलो कीजिएगा अपने सन, मून, राइजिंग और वीनस को। ठीक है, आप वैसे भी रीडिंग देख सकते हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोगों को ये भी बता दूं, ये रीडिंग सब लोग देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड कपल हैं, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, अपने फाइनेंशियल्स को लेके, अपनी हेल्थ को लेके और अपने स्टडीज़ को लेके। जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे पिकअप होगी टैरोट से, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, आप अपना एरीज, लियो और सैजिटेरियस का चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, जिन लोगों के एरीज, सन, मून, राइजिंग या वीनस है तो उन लोगों की रीडिंग देख लेते हैं, आपके लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप्स को लेके। अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या आप कपल हैं, तो इस मंथ क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, इस मंथ की प्रेडिक्शन और आपके फाइनेंशियल और कैरियर को लेके क्या चेंजिंग आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एरीज के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शन और इस मंथ का फाइनेंसेस, कैरियर और हेल्थ को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आपकी लव को लेके। तो ठीक है, ये है आपके आपके आपकी फीलिंग्स क्या होंगी इस मंथ एरीज, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो और कोई एयर साइन, फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एरीज, लियो और सैज। आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, एस ऑफ पेंटिकल्स। और आउटकम क्या है इस मंथ के लिए, एस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फायर, एयर और अर्थ मौजूद है। वाटर साइन भी हो सकते हैं इन पन्नों में, इन कार्ड्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके, मुझे लगता है आपकी एरीज कोई चीज़ ऐसी है आपकी एनर्जी में जो इस मंथ आपकी रहेगी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपको किसी चीज़ का वेट रहेगा, आपको अपने पार्टनर का शायद वेट रहेगा, या आपको किसी नई जॉब का या नई ऑफर का वेट रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने पार्टनर का वेट है, आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके साथ, क्योंकि ये देखिए ना, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया और आपको इस एस का इंतज़ार है, आप इस वाले पेंटिकल का इंतज़ार है। ऐसा इंसान जो आए आपकी लाइफ में, जो नई शुरुआत करे, या जिसके साथ न्यू बिगनिंग हो, या जिसके साथ आप फैमिली बनाएं अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको शायद इस इंसान का इंतज़ार है कि वो कब आपको प्रपोज करेगा, कब आपको अपनी फैमिली को लेकर जाएगा, मिलवाएगा, या इस तरह की वेटिंग आपकी चल सकती है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप में से सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का वेट है आपको। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपको बच्चे का वेट हो कि कब आपकी लाइफ में बच्चा आएगा, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसका आपको वेट है, फल का इंतज़ार है, या कोई पार्टनर के प्रोग्रेस का इंतज़ार है, लाइफ में कोई प्रोग्रेस का इंतज़ार है। आपको शायद घर चाहिए या घर बनाना है, उस चीज़ का वेट है कि कब बनेगा और किस तरह होगा, मतलब किसी ऐसी चीज़ है जिसका आपको वेट है। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये आपका पूरा मंथ इसमें रहेगा। कुछ लोगों को रिकन्सिलिएशन का वेट भी होगा, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी अर्से से वेट कर रहे हैं और इस मंथ आपको ये चीज़ वेट रहेगी कि कब आपका पार्टनर आपको ऑफर करेगा या आपसे बात करेगा। अब आपने आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही हैप्पी कार्ड है। तो आपका पार्टनर शायद आपको एक सोलमेट के तौर पे देखता है, एक लवर के तौर पे देखता है, एक ऐसा इंसान देखता है जिसके साथ वो फैमिली बना सकता है। और अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी उनके साथ है तो वो चाहते हैं कि वो भी आपको एक अच्छा घर दें, खुशियाँ दें, हर वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और आप करती हैं, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको जो है वो आपके साथ बहुत खुशी फील करता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको, मुझे लग रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ प्रपोजल कार्ड। तो आपको जिस प्रपोजल का वेट है, काफ़ी हो सकता है प्रपोजल ऑलरेडी आए हुए हों लेकिन आपको शायद पसंद नहीं आ रहा, आपके मियार का नहीं है, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, तो इस मंथ शायद आपके स्टैंडर्ड का रिश्ता आ जाए और आपको प्रपोजल आपके घर में आ जाए, तो वो चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स इज़ आल्सो अ होम, एस ऑफ पेंटिकल्स से टेन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक प्रपोजल आपके घर आया। ठीक है, और आप दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से मिली और एक दूसरे को मिले, अरेंज मैरिज हो सकती है। ठीक है, अगर आप लड़के हैं या लड़कियाँ,
तो अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कुछ लोगों के, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि आपकी फैमिली चूज़ करेगी इस इंसान को, उनके पास अच्छी जॉब होगी, अच्छा फैमिली होगा, लड़के के पास घर भी होगा, तो डेफिनेटली यू विल से ओके। सो ये कुछ लोगों के लिए प्रपोजल की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव में हैं और आपका लव अफेयर चल रहा है, तो हो सकता है इस मंथ आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलने के, गैदरिंग के, ट्रीट्स और दावतों पे एक दूसरे के साथ जाने के, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कुछ पार्टीज़ हो सकती हैं, तो उस दौरान भी आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को या पार्टीज़ को मिल सकते हैं। हाँ, अब एस ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद नई जॉब का वेट है, या एक ऐसी चीज़, एक इन्वेस्टमेंट का वेट है, तो वो भी आपके लिए गुड न्यूज़ सुनाती है यहाँ पे। और अगर आप मैरिड हैं जैसे मैंने कहा, तो घर में कोई नई ऑफर आ सकती है, कुछ नया सामान आ सकता है घर में, या कुछ घर की कंस्ट्रक्शन हो सकती है इस मंथ आपके लिए, तो वो बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में लाएगा, आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी, ठीक है। कुछ हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी फैमिली में या इर्द गिर्द फैमिली में, या कहीं भी रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव्स में कोई पार्टी चल सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें आपको अटेंड करना पड़ेगा, शादी या इवेंट हो सकता है, ठीक है। या आपको शायद बहुत अरसे से किसी चीज़ का वेट था, तो इस मंथ वो चीज़ आपको मिल जाएगी ऑफर, एक इज लाइक अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, आपको एक अच्छी सोर्स मिलेगी खुशी की, सेलिब्रेट करने की इस मंथ के लिए। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ डेफिनेटली यहाँ पे ये बात करते हैं कि अगर आपको किसी के पार्टनर का वेट है, तो वो इंसान बहुत जल्द इस मंथ एक्शन लेगा और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस चलेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन भी चलेगा, थोड़ा सा बच के रहिएगा उन लोगों से जो चाहेंगे कि आपका रिश्ता ना हो, या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिश्ते में या बात करने में, बट दैट विल बी ओके। टेन ऑफ पेंटिकल्स इज आल्सो अ फैमिली कार्ड, तो आपकी फैमिली डेफिनेटली ओके करेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलेंगे, अच्छा रहेगा इस मंथ तो। और अगर झगड़े से बचिएगा, फैमिलीज़ के अगर कन्फ्लिक्टेड हैं, फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हर ख़त्म हो जाएंगी। अगर एक दूसरे के दरमियान में फैमिलीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो ख़त्म रहेगा। लेकिन यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स मनी को भी बताता है, तो इस मंथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, अगर आपका कारोबार है, फैमिली बिजनेस है, या फैमिली में पैसा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस मंथ में, तो अच्छे भले पैसे आने के, तगड़े आने के, या आपका इन्वेस्टमेंट कहीं हो सकता है, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कहीं घर खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी होगी, मतलब पैसे खर्च भी होंगे फैमिली की तरफ से, या आपके, या फैमिली के ऊपर ही खर्च होंगे, घर पे ही कुछ होंगे, पार्टनर्स के ऊपर पैसे खर्च होंगे, तो ये भी इस मंथ का जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। अब आपकी हेल्थ और कैरियर देख लेते हैं यहाँ पे, फाइनेंसिस का भी देख लेते हैं। जो मैंने जैसे मैंने बात की यहाँ पे द जजमेंट है, तो आपका जो हेल्थ का है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जजमेंट और सन, आपकी हेल्थ रिकवर होगी इस मंथ बहुत सारे लोगों के लिए, आपकी हेल्थ के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत जल्दी आपको रैपिड फायर जो है वो रैपिडली जो है ना आपको चेंज नज़र आएगा इस मंथ, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगी आपको, ठीक है। सन इज़ वेरी हैप्पी, आप में से हो सकता है कि काफ़ी सारे आप लोगों के बच्चे अगर दूर रहते हैं, तो इस मंथ जो है वो आपके बच्चे मिलने आएंगे आपको, या आपको गुड न्यूज़ बच्चों की तरफ से भी मिल सकती है। अगर आपको काफ़ी अरसे से बच्चे का वेट था, तो हो सकता है इस मंथ आप प्रेग्नेंट हो जाएं, या आप बच्चे की डिलीवरी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो यहाँ पे अब आपके वर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे लवर्स की बात है, तो इसका मतलब आपके पास चॉइस होगी वर्क के लिहाज से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चॉइस होगी वर्क के लिहाज से, लेकिन मुझे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके पास एक नई ऑफर आने वाली है, एक नया चांस आने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, लेकिन उसमें चॉइस होगी। चॉइस ये होगी कि हो सकता है उसका ट्रैवल आपको करके जाना पड़े, या आपको फैमिली के अगेंस्ट हो, या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप जाना ना चाहें, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको पेंडिंग पे रखा जाए, आपको वेटिंग लिस्ट पे रखा जाए कि आपको बताया जाएगा बाद में, क्योंकि हैंगमैन मतलब बता रहा है कि थोड़ा सा डिले होगा उस चीज़ में, उस ऑफर में जो चीज़ आपको मिलने वाली है, और थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको और तरीके से भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन से, या वैसे ही पैसा लगा के भी थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। बट द गुड न्यूज़ इज़ लाइक एरीज की खुशी आपको मिलेगी आपके वर्क प्लेस पे, दैट यू विल बी द हैप्पी। और आपके बच्चे का भी हो सकता है कि अगर आप एरीज हैं, फादर हैं या मदर हैं, आपके बच्चे की सिलेक्शन हो सकती है कहीं पे, या आपके बच्चे का रिजल्ट आ सकता है इस मंथ, वो भी अच्छी चॉइस है। आपको डेफिनेटली कुछ खुशी मिलेगी फैमिली और बच्चों की तरफ से आपको, अगर आप मैरिड हैं। जजमेंट का मतलब ये भी है कि हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, आपको कहीं जाना पड़े, या इस मंथ आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगी ट्रैवल के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ट्रैवल करने में या चेंज होने में, थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा आपको वर्क के लिहाज से या उसके लिहाज से। पार्टनरशिप भी करनी पड़ेगी लोगों के साथ, अगर करनी पड़े तो डेफिनेटली डू इट, आपको उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जहाँ तक न्यू ऑफर की है, वो डेफिनेटली मुझे है आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा अगर कुछ लोगों का प्रमोशन का है वेट का, तो वो भी आपको मिलेगा। तो इस मंथ काफ़ी अच्छा चल रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको गो विद द फ्लो जाएंगे तो। ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो लियो, जिनका सन मून राइजिंग वीनस लियो में है, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, कपल हैं, मैरिड हैं, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप लोगों की रीडिंग देखते हैं,
अगस्त 2020 की आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है लियो लोगों के लिए इस मंथ के लिए, आपकी लव में, कैरियर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में क्या चेंजिंग आप लोगों की लाइफ में नज़र आने वाला है, तो देख लेते हैं। ये आपकी फीलिंग होगी पार्टनर की एक्शन और इस मंथ का पूरा लव का, रिलेशनशिप का आउटकम। अब फाइनेंसेस और कैरियर का देख लेते हैं, हेल्थ का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा इस मंथ आप लोगों के लिए लियो। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग देखते हैं लियो क्या होगी। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन के साथ आप शायद डील कर रहे हो, वाटर साइन भी है यहाँ पे, एयर साइन भी है, और आउटकम क्या होगा स्पेशली यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, स्पेशली स्कॉर्पियो। यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन हमारे पास अर्थ, वाटर, एयर और स्कॉर्पियो यहाँ पे, लेकिन कोई और साइन भी हो सकता है यहाँ पे निकल आएगा। तो लियो आपके लिए जो आपकी अपनी इस मंथ की जो एनर्जी होगी वो टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ जो है वो काफ़ी बिजी रहने वाले हैं रिलेशनशिप्स में, लव में, या अपने ऊपर अपनी लाइफ में आपका इस वक्त इतना फोकस है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें करनी हैं, कुछ चीज़ें नहीं करनी, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी रहेंगे किस चीज़ को छोड़ें, किस चीज़ को ना छोड़ें, क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे टास्क होंगे जिसमें आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो फैमिली है, लव है, रिलेशनशिप है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी ये जो है मंथ आपके लिए लग रहा है। लेकिन दूसरे उसमें अगर कहा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा डिसीजन लेना भी होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे से डिसीजन लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या ना करें, किसको छोड़ें किसको ना छोड़ें, किस रास्ते पे जाएं किस रास्ते पे ना जाएं। तो थोड़ी सी इनडिसीजन इस मंथ भी रहेगा, आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, चाहे वो लव है, चाहे रिलेशनशिप है, बच्चों के मामले में भी थोड़ा सा जो है वो डिसीजन जो है वो आपका थोड़ा सा इस मंथ डिले रहेगा। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके पार्टनर की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स, सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों की वजह से आपके साथ बहुत अटैच है, उनका जो इस मंथ का जो उनका प्रोग्रेस है या उनका फोकस है या अटेंशन होगा वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा होगा, उनके साथ स्पेंड करना टाइम वो भी बहुत रहेगा, उनका फैमिली पे ज़्यादा टाइम रहेगा बच्चों के साथ स्पेंड करना। और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली ये सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके साथ आपका थोड़ा सा आपका या आपकी फैमिली का कोई लिंक होगा, ठीक है, पीछे से, मतलब एक दूसरे को आप जानते होंगे या वर्क के थ्रू से या फैमिली के थ्रू से या चाइल्डहुड मेमोरीज होंगी आपकी एक दूसरे के साथ जिसको आप जानते होंगे, तो वो इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग अगर लव में हैं तो हो सकता है कि आप एक दूसरे को मिलें, बहुत ज़्यादा डेट्स और ये इस तरह का मंथ आपका लग रहा है बिज़ी एक दूसरे के साथ मिलने में, घूमने में, फिरने में, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, अगर आपको किसी का इंतज़ार है, तो मुझे जैसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत स्ट्रगल चल रही है रिलेशनशिप के लिहाज से, या आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आए और आपका सोलमेट हो, लेकिन उसको ढूंढने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, हर्ट भी हो रहे हैं काफ़ी सारे लोग। आप शायद सिंगल हैं काफ़ी अरसे से, या अगर पहले रिलेशनशिप में थे उसकी वजह से भी आपको ब्रेकअप हुआ, कुछ अच्छा नहीं मिला, कुछ उम्मीद आपकी उस तरह पूरी नहीं हुई जिस तरह आप चाहते थे, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स इज द नेक्स्ट कार्ड, तो आपको हमेशा शायद लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, या आपका जो रिसेंट या पुराना जो रिलेशनशिप था वो अभी तक आपको हर्ट कर रहा है, आप उसे निकल नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहे, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। एक्स भी हो सकता है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी मेमरीज़ हों, रोमांटिक मेमरीज़, इमोशनल मेमरीज़ हों, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है उस इंसान को भुलाने में, लाइफ में आगे मूव ऑन करने के। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ड्रॉप करनी पड़ेंगी, डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन आप इंडिसाइजिव हैं उस बारे में, समझ नहीं आ रही कि डिसीजन कैसे लें। तो आपका आउटकम या कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपसे, जिसका आपके साथ बात नहीं चल रही है, बच्चों का मामला भी हो सकता है, या हार्ट ब्रेक हो सकता है, या कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के दरमियान में, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमारा आपका आउटकम जो है जिस मंथ का मुझे नज़र आ रहा है डेथ कार्ड स्कॉर्पियो, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका एक्स है जिसमें आपको छोड़ के इस पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा, थ्री ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को छोड़ना होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपने आप को हील करना होगा, पास्ट को पास्ट में ही रखना होगा अगर ये आपका पास्ट लवर है तो, ठीक है। आपको क्योंकि लाइफ में नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कट आउट करना होगा इस चीज़ को, लॉजिक के तरीके से सोचना होगा, इमोशनल नहीं, लॉजिक, मतलब माइंड से लेके सोच के डिसीजन लेना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है डिसीजन लेने में तो लॉजिक को चूज़ कीजिए, माइंड को चूज़ कीजिए, ना कि हार्ट को, क्योंकि दिल तो आपका ऑलरेडी ही ब्रोकन है, हार्ट तो आपका ऑलरेडी ब्रोकन है, आपको ऑलरेडी, आपने दिल को चूज़ किया था, क्या मिला उससे, हार्ट ब्रेक, ठीक है, और उसके उसमें सिर्फ आपको पेन मिल रहा है। तो इस बार आपने, इस महीने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस है डिसीजन लेने का, पास्ट को पास्ट में छोड़ने का, रिलीज़ करने का। अगर वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है अभी तक और उसमें कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो डेफिनेटली आप अपने आप को खुद ही हर्ट कर रहे हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स मतलब इसका मतलब है आप खुद अपने दिल को तकलीफ में रखे हुए हो।
तो इस मंथ ये मंथ आ गया है आप डिसीजन लेने का कि करना क्या है, आगे जाना है या इसी तरह मतलब स्टक रहना है या वेट करना है उस चीज़ का जो आपकी आपको मिल ही नहीं रही, ठीक है। सो हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिक को चूज़ करने वाली हैं, ठीक है। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो डेफिनेटली यू विल बी देयर, आप स्टिल पेन में रहोगे। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, मतलब डेट कर रहे हो किसी को, तो हो सकता है इस मंथ आपका झगड़ा चले, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि थोड़ा सा झगड़ा चल सकता है जिससे आपको हर्ट हो या आपके पार्टनर हर्ट हो, तो उसको माफ़ी मांग लीजिएगा इससे पहले कि वो ब्रेकअप में चेंज हो जाए, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं झगड़ा करने के, मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर चांस नज़र आ रहा है। वर्क को भी लेके काफ़ी टेंशन चल सकती है अगर जॉब नहीं है या इस तरह। और अगर आप मैरिड कपल्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जहाँ पे पैसों को लेके काफ़ी इशू चल सकता है या बच्चों को लेके इशू चल सकता है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ कप्स, पैसों को लेके या बच्चों को लेके कोई इशू चल सकता है तो प्लीज़, या हेल्थ को लेके भी कोई इशू चल सकता है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, टेंशन घर में क्रिएट हो सकती है। आप फाइनेंसिस और करियर को देख लेते हैं और जॉब और आपकी हेल्थ को देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ओके। जहाँ तक जैसे मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, लियो आप लोगों के लिए, तो आप हो सकता है एरीज़ के साथ डील करें या पाइसिस के साथ, सैजिटेरियस के साथ, ये भी साइन हो सकते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है इस मंथ आपके जो बॉस है ना, बॉस के साथ कोई झगड़ा इशू चल सकता है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके बॉस हैं सेवन ऑफ वांड्स, तो जहाँ पे आपकी वर्क वाली जगह है, बॉस वाली जगह है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू चल सकता है तो प्लीज़ उस चीज़ को कंट्रोल कीजिएगा, गुस्से को ज़्यादा जो है ना बॉस के सामने बोलने वाला चलने वाली चीज़ें मत कीजिएगा। बी पेशेंट, द हैंगमैन और सेवन ऑफ वांड्स, अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, लड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा वहाँ पे बॉस पे या किसी और के साथ वर्क प्लेस पे। और अगर आपका खुद का अपना बिजनेस है तो इस मंथ आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का मतलब अपने, अगर आप फादर हैं तो अपने बच्चे के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं अपने बिजनेस की, या फ्यूचर का आपका प्लान होगा तो इस मंथ शायद टाइम है, तो इस चीज़ को आप फोकस करें। और एम्परर और पेंटिकल्स का ये भी मतलब है कि अगर आपका आप किसी हो सकता है कुछ नया तरह का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें, कुछ चीज़ ऐसी जो आपके माइंड में हो, काफ़ी अरसे से आप करना चाह रहे हो, तो इस मंथ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है उसमें इन्वेस्ट करने का, ठीक है, उस नए बिजनेस को स्टार्ट करने का। सेवन ऑफ वांड्स इज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हर बिजनेस में, हर वर्क में स्ट्रगल होती है, तो थोड़ा सा उसको पेशेंस रखिएगा। कुछ चीज़ें डिले भी होंगी इस मंथ के लिए, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा हालात। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, नवंबर और दिसंबर के बाद आपके हालात ठीक हो जाएंगे बिजनेस में और जॉब में। लियो, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ठीक है, चेंज नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है या फल है जो वो आपको आपके बिजनेस का या जॉब का, वो आपको नवंबर दिसंबर में होता हुआ नज़र आएगा। या जॉब अगर आपकी इस वक्त जाग नहीं है, स्ट्रगल चल रही है आपकी, उसकी वजह से काफ़ी टेंशन है, तो आपको नवंबर या दिसंबर में एक अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको एक जॉब की ऑफर मिलेगी। हाँ, वर्क के लिहाज से यहाँ पे कुछ टेंशन चल सकती है, तो उसको रिलैक्स रखिएगा, वहाँ पे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की फिर स्टिल अभी आपको थोड़ा सा, अगर आपको टेंशन है या कुछ और दिमागी प्रॉब्लम है या हार्ट के कोई पेशेंट हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल चल सकती है, तो रिलैक्स, अपनी दवाइयाँ या अपनी मेडिसिन वो की फोकस, और डॉक्टर के पास उतनी तरह से जाते रहिए चेकअप के लिए, तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा, ओके। तो ये रीडिंग है लियो के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। हेलो सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग वीनस, जिनका सेजिटेरियस सन मून या राइजिंग या वीनस है, तो आप देख लेते हैं आप लोगों की इस अगस्त 2020 की क्या प्रेडिक्शन है। अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, देख लेते हैं इस मंथ के लिए आपके लिए क्या चेंज आएगा, लव में, फाइनेंसिस में, कैरियर में, आपकी हेल्थ में। सेजिटेरियस लोगों के लिए आपके पार्टनर, आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की एक्शन और इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी। फाइनेंशियल हेल्थ की भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ओके। तो सेजिटेरियस, आपकी फीलिंग देखते हैं इस मंथ क्या होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो हो सकता है आप अर्थ साइन से डील कर रहे हो या एयर साइन से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली लियो भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ और एयर साइन है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या आपकी जो फीलिंग है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी लव लाइफ बहुत स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, या आपकी लाइफ में कोई है नहीं। अगर आप हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए जो कि आपका पार्टनर आपको दे नहीं रहा। काफ़ी स्लो रिलेशनशिप आपका मूव हो रहा है, या आप इस वक्त आपकी तवज्जो जो है वो बहुत स्लो लेके चलने की है, स्टेप बाय स्टेप रिलेशनशिप को लेके चलने की है, ठीक है, या आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है आपको किसी के शायद ऑफर का इंतज़ार है, और आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है रिलेशनशिप को लाने में, या आपसे बात करने में, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। तो ये आपकी इस मंथ की एनर्जी रहेगी।
तो और जहाँ तक आपके पार्टनर की एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो आप में से काफ़ी सारे जो पार्टनर हैं आपके, अगर आपका पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहा, आप मान नहीं रहा, क्योंकि आपको कुछ सॉलिड चाहिए, सीरियस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी इस मंथ हो सकती है कमिटमेंट को लेके या रिलेशनशिप को लेके। हाँ, कुछ लोगों को पैसों की वजह से, अगर आप मैरिड हैं, कपल हैं, तो आपको पैसों की वजह से कुछ इश्यू चल सकता है, या आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आपके पार्टनर जो थोड़ा सा बहुत ज़िद करेंगे उस पर, उस चीज़ को मान नहीं रहे ऑलरेडी, या आप मनवाने की कोशिश करेंगी तो वो शायद मानेंगे नहीं, इस तरह का कुछ चांस चल सकता है। आपके पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपको शायद किसी के पार्टनर, आपको किसी का वेट है कि कोई सॉलिड इंसान आपकी लाइफ में है जिसके पास पैसा भी हो, जॉब भी हो, लेकिन चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में, या शायद आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो सिर्फ फ्लर्टी हैं, या शायद आपका मूड इस वक्त फ्लर्ट करने का है सैजिटेरियस, क्योंकि हो सकता है अगर आप लड़के भी हैं तो अभी आप शायद मूड में नहीं हैं किसी के साथ सेटल होने में, क्योंकि सैजिटेरियस की एनर्जी होती है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ, वो बहुत जो है लेट जाके जो है ना, वो बहुत काफ़ी अरसे के बाद जाके या सोच समझ के जो है वो कमिटमेंट करते हैं। तो इस वक्त शायद आपका मूड अगर इस वक्त सेटल होने का नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, ठीक है, या अपने पार्टनर से भाग रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं या सिंगल भी हैं तो आप किसी को लाइक करते हैं लेकिन आप सेटल के लिए तैयार, सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है, कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, या आपका पार्टनर, ठीक है। सो और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या जैसे मैंने कहा तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपकी बात नहीं मान रहा, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको, आप भाग रहा है आपसे, या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर इज़ डेफिनेटली आपका पार्टनर अभी रेडी नहीं है शायद कमिटमेंट के लिए। तो इस मंथ आपको एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, और अगर आप रिलेशन, जैसे मैंने कहा मैरिड हैं, कपल हैं, तो आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा पैसों का मामला चल सकता है, भागने दौड़ने का एक दूसरे के पीछे, या हो सकता है क्योंकि आपको लगता है आपकी बात वो नहीं मान रही, या आपको समझ नहीं आ रही उनकी, या उनको आपकी समझ नहीं आ रही, कुछ इश्यू इस तरह के चल सकते हैं। अब ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे है वो फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों का मामला है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल चलेगी पैसों के लिहाज से, फाइनेंसिस के लिहाज से, और अगर आप सिंगल हैं आपको शायद आपका फोकस पैसों पे है, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, सेविंग नहीं है, या माँ बाप से या किसी से मिलती है तो वो इतनी सेव नहीं हो रही, आप अपनी जॉब चाहते हैं लेकिन जॉब के लिहाज से आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर हो सकता है किसी ने आपका लोन लिया है, आपसे पैसे लिए और भाग के चले गए, वो आपको पैसे नहीं वापस करे, तो इस मंथ वो चीज़ें, उनके पीछे भी भागना पड़ेगा आपको, ये भी हो सकता है, ठीक है। सन का कार्ड है लियो, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस मंथ आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ हैं तो ये मंथ काफ़ी आपको ये याद दिलवाएगा कि शायद आपसे कोई लव नहीं करता, सैजिटेरियस ये आपकी एनर्जी है, तो शायद आपको लगेगा कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपकी कदर नहीं करता, कोई कहीं वैल्यू नहीं है आपकी, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो आपके बच्चे हैं, पार्टनर है, लवर है, आपको ये लगेगा कि कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं भूलना दैट यू आर द कंप्लीटेड, ओके। तो आपको अपनी ये जो सेल्फ वर्थ है ना वो खुद ही अपने अंदर रियलाइज़ करनी है दैट यू आर द हैप्पी पर्सन, आपको खुद को ये खुश करना है, अपने आप को, अपनी सोल को खुश करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। अगर आप सिंगल हैं और आपको लग रहा है कि औरों की सबकी शादियाँ हो गई, मेरी नहीं होगी, आपकी भी होगी, टाइम पे होगी, डेफिनेटली डोंट फील लाइक कोई अच्छा पार्टनर नहीं आ रहा, मेरी शादी कभी नहीं होगी, या मुझे ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी ने चीट किया तो आपको लगेगा कोई और आपको चीट कर रहा है इस तरह, तो प्लीज़ इसका मतलब, ये जो दो कार्ड्स का कम्बिनेशन है, इसका ये बता रहा है कि आपको रियलिटी को फेस करना है, ठीक है, आपको अपने आप को खुश करना है, आपका काम है यहाँ पे अपने आप को ये फील करवाना कि आप डेफिनेटली हर चीज़ डिज़र्व करते हो, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर जब आप खुद ही ये फील करोगे कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, तो डेफिनेटली अगला पार्टनर ऑब्वियसली फील करेगा कि आप तो खुद पर बिलीव नहीं है, तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे आप खुद अपने आप को रियलाइज़ करवाते हो। तो इसलिए मैं हमेशा अपने चैनल पे बात करती हूँ कि आपको अपने आप को लव देना है, अपने सेल्फ लव में रहना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका बिलीफ क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्या है, किस तरह रिस्पेक्ट करनी है और किस तरह रिस्पेक्ट करवानी है। जब कोई इंसान आपको झूठ बोलता है, चीट करता है, तो डेफिनेटली आपको भी छोड़ना चाहिए उस इंसान को। लेकिन अगर आप फिर भी उस इंसान, चीटर है, लायर है, झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है, फिर भी आप उसको चांस पे चांस दे रहे हो, दिस इज़ योर मिस्टेक, क्योंकि वो तो इंसान का करैक्टर है, वो तो आपको ऑलरेडी दिखा रहा है कि उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन अगर आप एक, मतलब आई वुड नॉट से कि यू आर ब्लाइंड इन लव, कि आप अंधे हो चुके हैं लव में, बट आपको थोड़ा सा रियलिटी को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वही इंसान आपको धोखा देगा, बहुत बड़ा धोखा देगा। अगर आप अभी वो छोटे छोटे कर रहे हैं तो अभी आपको शायद इग्नोर कर रहे हो, चांस पे चांस, ओके ठहरा कोई नहीं, कल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नो। तो एक दिन जब वो आपको बड़ा धोखा देगा तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, आपको लगेगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपको लगेगा कि आपने सारी ज़िंदगी अपनी वेस्ट की इस इंसान पे, रिलेशनशिप पे, बच्चों पे, इसमें थोड़ा सा रियलाइज़ होगा आपको थोड़ा सा इस मंथ के लिए। लेकिन आपने फील नहीं करना, बिकॉज यू हैव टू लव दिस योर, आपको ये लव अपने आप को देना है या अपने बच्चों पे फोकस करना है। अगर आपका पार्टनर आपको तवज्जो नहीं दे रहे या वो नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली यू शुड बी फोकस ऑन योर चिल्ड्रन, ओके। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं
जो वक्त के लिहाज से चेंज हो जाती हैं, वक्त के लिहाज से ठीक होता है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं और आपको ये फील हो रहा है कोई लाइफ में नहीं आएगा, दे विल, जब वो तब आएंगे जब टाइम राइट होगा। सो डोंट फील लाइक दैट। अब आपके फाइनेंसिस, कैरियर और हेल्थ को लेके देखते हैं। हेल्थ के लिहाज से मैं सबसे पहले बात करूँगी एस एफ कप्स, आपकी हेल्थ रिकवर होगी। और एस एफ कप का मतलब फिर मैं भी बात करूँगी कि आपको सेल्फ लव की कमी है। आप में से बहुत सारे लोग सेजिटेरियस जो लोग हैं, लड़के या लड़कियाँ, आपको ये फील होता है कि आपको लोग पसंद नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, या आप लव डिज़र्व नहीं करते, आपको कभी लव नहीं मिलेगा। आप में से अगर मैरिड लोग हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, या शायद आपको बच्चा चाहिए और वो आपको मिल नहीं रहा गॉड की तरफ से, तो आपको लगता है क्या पता नहीं क्या कमी रह गई, या आप में आपको बच्चा नहीं मिल रहा, या गॉड आपको कभी सुनेगा नहीं। ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए, काफ़ी चीज़ें मुझे इस मंथ ये फील हो रही हैं कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये लग रहा है कि आप डिज़र्व नहीं करते। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, टेंशन में रहेंगे सिचुएशंस को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, बच्चों को लेके, पैसों को लेके, और आपको ये रियलाइज़ होगा दैट नोबडी लव्स यू, नोबडी अंडरस्टैंड यू, नोबडी आई अंडरस्टैंड, क्योंकि सेजिटेरियस की ये रीडिंग है। तो आप लोगों की एनर्जी इस मंथ ये चीज़ रहेगी, लेकिन आपको एक ही बात बोली जा रही है दैट पॉजिटिव, थ्री ऑफ वांड्स, स्टे पॉजिटिव, द सन इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। आपने गिव अप नहीं करना, अगर आज आपका दिन नहीं है कल आपका दिन होगा, और यही उम्मीद जो होती है, कल की जो उम्मीद होती है ना, किस कल की सुबह जब आएगी या कल का सूरज जब उभरेगा, तो वो आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होप देगा। तो मैं यही कह सकती हूँ आपके लिए। टू ऑफ वांड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद बाहर जाने का शौक है, ट्रैवल के लिहाज से या बिज़नेस का, या वैसे बाहर जाने का आपको शौक हो रहा है, या हेल्थ का वैसे भी आपको शायद हो सकता है बाहर जाने की चेकअप करवाना पड़े, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, लेकिन देर इज़ अ ट्रैवल। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस मंथ। टेन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि वर्क वाली जगह पर बहुत सारे लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, और इस मंथ भी आपको शायद नज़र आ जाए कि किसने आपको धोखा दिया किसने नहीं, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ नज़र आ जाएगी। मैजिशियन, तो आप में से आप, जहाँ तक मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है, आप अगर अपना खुद का काम करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस मिलेगा, तरक्की मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, क्योंकि मैजिशियन के पास सारे एसीज हैं और यहाँ पे एस ऑफ कप है। तो अगर आप क्रिएटिविटी में हैं तो आपको बहुत अगर उसी में ही आपको अच्छा काम मिल सकता है। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, खुद के लिए कुछ करोगे, खुद के लिए कुछ थोड़ा सा भी स्टार्ट करो, डिसीजन ले लो कि करना क्या है, किस तरफ जाना है, ठीक है। तो हो सकता है अपना बिजनेस आपको ज़्यादा फायदा दे, होम बिजनेस, फैमिली बिजनेस, या खुद का बिजनेस, कुछ ऐसे क्रिएटिव माइंड है आपका उसको करने में, तो वो आपको काफ़ी फायदा देगा। हाँ, बिजनेस, अगर आपको जॉब का इंतज़ार है तो वो भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त नहीं मिल सकती, स्ट्रगल भी चल रही है पैसों के लिए आपसे। और अगर आपको प्रमोशन का या उसका वेट है तो वो भी आपको रहेगा। हेल्थ आपकी इस मंथ बहुत अच्छी रहेगी, या आपको फोकस करना है अपनी हेल्थ पे। अगर आप टेंशन में ऑलरेडी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, तो इस मंथ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करो। आपको अपनी हेल्थ को डेफिनेटली दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ लाना आएगा, और आपको ये बिलीव करना होगा कि आप डेफिनेटली डिजर्विंग हो, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव है तो, ठीक है। सैजिटेरियस, तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज़।